हेलो गाइस, माय यूट्यूब चैनल वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग वीडियो। और आप लोग सबका स्वागत है फिर से ब्लॉग में। गाइस फाइनली देखिए क्या है, कुछ नहीं है, आदमी तो रोड में चलेगा ही नहीं। गाइस तो गाइस फाइनली रात में निकले क्यों हम मोटर ब्लॉगिंग करने के लिए। तो गाइस ना बहुत ही दिक्कत होता है दिन में, थोड़ा सा कभी नहीं निकल पाते हैं, तो इसीलिए रात में निकले। और थोड़ा ठंडा हवा लगता है रात में, और अभी जानते हैं गर्मी का मौसम है, ठीक है। और गाइस बहुत ज़्यादा ऑडियो क्वालिटी दिन में आता है ना, गाड़ी बहुत ज़्यादा चलते है, ऑडियो भी क्वालिटी बहुत इंप्रूव नहीं कर पा रहे हैं। और चले आए, कुछ खाएं पिए और थोड़ा राइड भी कर लिए, ठीक है। और आज मैं बताने वाला है आप लोग को कि आप फेमस कैसे होंगे ब्लॉगिंग करके, क्योंकि गाइस इसमें बहुत सारा ट्रिक होता है। क्या ट्रिक होता है गाइस, कि आपका कंटेंट में ब्लॉगिंग में उतना दम रहता है सबसे ज़्यादा अभी चलता है। देखा जाए तो अभी कॉमेडी आप ये रील्स पकड़ लीजिए, सॉन्ग वाला नया नया सॉन्ग आता है ट्रेंडिंग, उसमें मज़ा आता है। और अभी राइड वाला में सक्सेस होता है ब्लॉगिंग वाला में, लेकिन ब्लॉगिंग चैनल रिसर्च में जल्दी सर्चेबल तो फिट नहीं होता है, और अपना दम भी करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है। और अच्छा अच्छा आप गैजेट यूज करेंगे महंगा महंगा, तभी आपका ऑडियो क्वालिटी वीडियो क्वालिटी आपका हाई रहेगा, तभी जाके अच्छा लगेगा, तभी जाके देखेगा। और कोई भी ब्लॉग वीडियो सर्च नहीं मारता है, ठीक है। तो ब्लॉगिंग में बहुत मेहनत करना पड़ता है, और ब्लॉगिंग चैनल करना है आपको, सफल करना है इसमें, कमाना है इसमें, करियर बनाना है। तो गाइस मोटो ब्लॉगिंग में या लाइफ स्टाइल ब्लॉग में या फूड ब्लॉग में ये सब में टाइम लगता है गाइस, या ट्रैवलिंग ब्लॉग कोई भी ब्लॉग हो ये टाइम लगता है, समझे ना गाइस। तो इसमें आपको क्या करना होगा, कंटेंट एक आपको अच्छा लाना होगा, ठीक है, क्वालिटी, और आपका ऑडियो क्वालिटी भी अच्छा रहना चाहिए। और दूसरा कंटेंट जो आपको इतना हाई क्वालिटी में जो आएगा उसको रेगुलर आपको अपलोड करना होगा, ठीक है। उससे मतलब आपको जुड़े रहना होगा पूरा, कुछ हो या ना हो आपको यूट्यूब के चैनल पर एक वीडियो अपलोड होना चाहिए, ठीक है। और दूसरा चीज़ आपका पेशेंस रखना होगा, और रिसर्च में तभी आएगा जब थोड़ा देखेगा हाईलाइट होगा, तभी रिसर्च करेगा आपको धीरे धीरे, आपका नाम का आपका फेमस हो जाएगा नाम, तभी आपका क्वालिटी अच्छा लगेगा, किसी और को शेयर किया उसको अच्छा लगा वो भी आपका, तब थोड़ा थोड़ा सर्च मारने लगेगा। और उसमें भी होता है गाइस सर्च, मतलब सर्च नहीं मारता कोई, सर्च वही मारेगा जो मोटो ब्लॉग या लाइफ स्टाइल ब्लॉग या फूड ब्लॉग या कुछ ब्लॉगिंग का रिलेटेड करता है, बुलेटिन से किए हैं आप मोटो ब्लॉग, तो उसका गैजेट क्या क्या यूज़ कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं, वो सब चीज़ के बारे में बताइए। फूड ब्लॉग कर रहे हैं, यहाँ पे ये फूड है, ये फूड का नाम ये है, ऐसे खाने में लगा, ऐसे खाने में लगा, तो गाइस उसके बारे में फूड के बारे में खा के बता सकते हैं। और ट्रैवलिंग कर रहे हैं तो आप लोग जिस लोकेशन पे गए, कैसे टिकट कराया, कहाँ पे गए, कैसे जाना होता है वहाँ पे, जाने के बाद कैसे क्या करना होता है, हर चीज़ आप अच्छे से बताएं करके, ठीक है। और उससे अगर ट्रैवलिंग कर रहे हैं तो, और मोटो ब्लॉगिंग कर रहे हैं तो आप लोग टायर का, गाड़ी का या उसका जो भी चीज़ चेंज करा तो उसके बारे में बताइए, बाइक के बारे में बताइए, कैसा बाइक अच्छा होता है, ओला अच्छा होता है, इससे राइड करने की सब सुविधा होता है, इससे होता है, इससे इसमें प्रॉब्लम होता है बता सकते हैं, ठीक। तो अभी मैंने बता दिया तीन चार चीज़ आप लोग फॉलो कर सकते हैं, मोटो ब्लॉगिंग कर रहे हैं। रात में निकले या दिन में निकले आपको टाइम देना होगा इसमें, एडिटिंग में, वीडियो शूटिंग करने में बहुत सारा टाइम देना, थोड़ा मेरे